हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, जनरल स्टडीज़ पर, और जो काफ़ी स्तर का प्रश्न होता है उसको सेट किया गया है, और कुछ इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल वाटरवे 97 कहाँ पर स्थित है? नेशनल वाटरवे 97, राष्ट्रीय जलमार्ग 97, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। 2 नंबर प्रश्न, सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य LBW है, जिसका अर्थ है, अब ये जो SDG होता है 17 SDG, तो उसमें LBW एक लक्ष्य है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखें, इसका मतलब होता है लाइफ बिलो वाटर, बाकी के ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। कुछ और ये जो है, ये लाइफ बिलो वाटर यानी LBW जो है, ये SDG का 14वां लक्ष्य है, 14th गोल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका के कितने छोटे द्वीपों या टापुओं पर पवन टर्बाइन्स की स्थापना भारत करेगा? तो ये हाल फिलहाल का ही है प्रश्न, जो बिम्स्टेक हुआ था उसी के दौरान ये सब हुआ है। तो ऐसा 3 है टापू जिस पर भारत पवन टर्बाइन्स उसको इंस्टॉल करेगा, वहाँ लगाएगा। और ये तीनों टापू जो है, जिसका नाम नैना तीवु, अनालय तीवु व डेल्फ्ट है, 3 टापू, ये पाक स्ट्रेट में स्थित है। ये 3 टापू है, नैना तीवु, अनालय तीवु, डेल्फ्ट, ये कहाँ है? पाक स्ट्रेट में स्थित है, जो इंडिया श्रीलंका के बीच है। और भारत सरकार द्वारा इस परियोजना का जो वित्तीयन है वो ऋण दे के नहीं बल्कि अनुदान सहायता द्वारा करेगा। और ये अनुबंध पहले चीन को दिया गया था, लेकिन भारत के आपत्ति के कारण ये टलता रहा, और अंततः भारत को ये परियोजना मिला। 4 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत के वस्तुगत निर्यात का आकार क्या है? 21-22 और भारत का वस्तुगत निर्यात यानी गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है वो कितना हुआ, उसका साइज चाहिए। तो लगभग 400 अरब डॉलर का हुआ है, ये सी होगा आंसर। और ऊपर के जो दो ऑप्शन है 100 और 300 वाला, 100 बिलियन डॉलर 2005-06 में हुआ था, जबकि 300 बिलियन डॉलर 2012-13 में रहा वस्तुगत निर्यात भारत से। 5 नंबर प्रश्न है, वैश्विक निर्यातों में भारत के वस्तुगत निर्यातों का कितना अंश है, यानी परसेंटेज पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड में वस्तुगत निर्यात होता है ऑल ओवर वर्ल्ड का, और भारत का जो होता है उसमें भारत का कितना अंश बनता है? तो बहुत ही कम अंश बनता है, ये 1.7% है लगभग, आंसर बी हो जाएगा, 1.7%। 6 नंबर है, GDP के प्रतिशत के रूप में भारत के वस्तुगत निर्यात किस रेंज में है, GDP का परसेंटेज उस रूप में कितना निर्यात होता है, कितना से कितना प्रतिशत के बीच? तो ये रेंज है 19-20% के बीच, ये याद रखना पड़ेगा। 7 नंबर है, भारत में सेवाओं का निर्यात, अब 2 तरह का निर्यात होता है, एक तो वस्तु का, दूसरा सर्विस का, यानी गुड्स एंड सर्विस। तो भारत में सेवाओं का निर्यात GDP के कितने प्रतिशत के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7-8%, इतना ही होता है सेवाओं का निर्यात।
जीडीपी के परसेंट के रूप में। 8 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई, निर्यात तत्परता सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया, पहली बार कब जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। तो पहली बार इसको 26 अगस्त 2020 में जारी किया गया था ये, और ये जो सी नंबर ऑप्शन है मार्च 2022 में 2021 का ईपीआई जारी किया गया है, यानी कि लेटेस्ट जो जारी किया गया निर्यात तत्परता सूचकांक वो मार्च 2022 में किया गया है, और पहली बार नीति आयोग ने 26 अगस्त 2020 को जारी किया। 9 नंबर क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई नीति आयोग द्वारा किसके साथ साझेदारी में तैयार किए गए हैं। अब ये जो सूचकांक है नीति आयोग अकेले तैयार नहीं किया है, इसके साथ कोई है, तो इसके साथ कौन है, यही है प्रतिस्पर्धा संस्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपटीशन और नीति आयोग दोनों मिलके ही निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार करता है। 10 नंबर प्रश्न, निर्यात तत्परता सूचकांक में पी का अर्थ क्या है। ईपीआई बोलते हैं इसको, तो ईपीआई में पी क्या है, ईपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो पी फॉर प्रिपेयर्डनेस ए नंबर आंसर होगा, प्रिपेयर्डनेस। 11 नंबर है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किसका स्थान सबसे ऊपर है। ये सब प्रश्न आता है, पूर्वोत्तर राज्यों को रख देगा और फिर पूछेगा उस पर क्वेश्चन, सबसे ऊपर है तो ये देखें मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसमें से कौन सा होगा, इसमें से मणिपुर हो जाएगा आंसर। निर्यात तत्परता सूचकांक में इन चारों राज्यों में सबसे आगे मणिपुर है, और इसका स्थान जो है इस सूचकांक में ईपीआई में इसका स्थान है मणिपुर का 29वां, नागालैंड का 31वां, मेघालय का 32वां और मिजोरम का 34वां, ये स्थान है, इस लिहाज से मणिपुर सबसे आगे हुआ इन चारों राज्यों में। 12 नंबर प्रश्न, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में बिहार का कितना स्थान है, ये भी प्रश्न है, बिहार में पूछ सकता है। तो इस सूचकांक में जो लेटेस्ट आया हुआ है नीति आयोग का, इसमें बिहार का स्थान है 22वां। 22वां स्थान हो जाएगा आंसर बी नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के संदर्भ में कौन असत्य है, असत्य कथन चुनना है। ये भी सारे पॉइंट अपने आप में वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको सेट किया गया है। ऑप्शन देखें, गैर तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान हरियाणा, गैर तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान हरियाणा। बी नंबर, हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड, केंद्र शासित क्षेत्रों में शीर्ष स्थान दिल्ली, पहले 10 स्थानों पर रहे राज्यों में 7 तटीय राज्य हैं। तो असत्य आंसर चुनना है ईपीआई 2021 के संदर्भ में, तो ये सारे ए बी सी जो है ये सत्य हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये फैक्ट है, और डी नंबर गलत है, तो आंसर हमारा डी ही हो जाएगा, चूंकि असत्य चुनना है, क्वेश्चन इसी टाइप का आता है असत्य चुनने वाला, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर में एक्चुअल क्या है आंसर, 7 के जगह 6 होगा। 14 नंबर प्रश्न, निर्यात के मामले में गेहूँ किस श्रेणी में शामिल है। निर्यात इधर गेहूँ का निर्यात हुआ है भारत से, और भारत इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
इसके एक्सपोर्ट को लेकर के, और इसे फ्री श्रेणी में रखा गया है। आंसर बी हो जाएगा, निर्यात के मामले में गेहूँ फ्री श्रेणी में रखे गए हैं, शामिल किए गए। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर में पिछले 25 वर्षों में केसर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ये फैक्ट है, 2021 में ये डेटा है कि पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड ही तोड़ा है, तो यह उत्पादन मीट्रिक टन में कितना है ये बताना है। तो ये उत्पादन 15.04 मीट्रिक टन हुआ है 2021 में, तो ये सर्वाधिक है अब तक। और ये जो बी सी ऑप्शन है ये भी है रिकॉर्ड में कि 15 मीट्रिक टन जो है ये 96 में हुआ था, 13.5 मीट्रिक टन 2020 में हुआ और 2021 में 15.04 मीट्रिक टन हो गया। 16 नंबर है, विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं की जाती है, जो हर देश का विदेशी मुद्रा कोष बनता है तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। एक तो ये शामिल होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये होता है। इसके बाद उसमें गोल्ड भी रखा जाता है, एसडीआर भी रखा जाता है, आईएमएफ के पास सुरक्षित राशि भी रखी जाती है जिसको ट्रांसे विथ आईएमएफ बोला जाता है। एसएलआर नहीं रखा जाता है, ये शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, एसएलआर ये नहीं रखा जाता है वहाँ विदेशी मुद्रा कोष के नाम पर। 17 है, मार्च 2022 के अंत में आरबीआई के पास कितने अरब डॉलर का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष था, यानी फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है मार्च 2022 के अंत में कितना रहा आरबीआई के पास ये फॉरेक्स रिजर्व, तो आंसर हो जाएगा इसका 617 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर। 18 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 एमडीजी यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब स्वीकार किए गए थे, हालांकि ये ओल्ड हो गया क्वेश्चन, इसके स्थान पे एसडीजी लाया गया, फिर भी इसको सेट किए हैं, पीछे से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये बताना है कि 8 एमडीजी कब स्वीकार किए गए थे यूएनजीए द्वारा, तो ये वर्ष था 2000 में स्वीकार किया गया था, और फिर एमडीजी को 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया था, इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, 2015 तक ही इसका लक्ष्य पूरा करना था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में 17 एसडीजी स्वीकार किए गए। अब देखिए 8 एमडीजी था 2000 में स्वीकार किया गया, अब फिर वही यूएनजीए है तो उसमें सत्र का आंसर करना है किस सत्र में 17 एसडीजी स्वीकार किए गए, यानी 17 जो सतत विकास लक्ष्य है वो किस सत्र में स्वीकार किया गया था, तो ये सत्र था 17th। और ये 25 सितंबर 2015 की बात है, उसी समय 17वें सत्र में 17 एसडीजी स्वीकार किए गए थे सभी देशों द्वारा, यानी कि जो भी है देश 193 की संख्या में सारे। और ये इसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एसडीजीज यानी सतत विकास लक्ष्य सभी यूएन मेंबर्स ने यद्यपि स्वीकार किए हैं तथापि ये, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है ये, इसका ये बताया कि क्या ये बाध्यकारी है ये जो एसडीजीज हैं सारे मेंबर्स के लिए, सारे यूएन मेंबर्स के लिए यानी 193 देशों के लिए, क्या ये 17 एसडीजी बाध्यकारी है
जबकि ये सभी मेंबर स्वीकार कर लिए हैं इसको। तो बाध्यकारी वाला क्वेश्चन है, ये बाध्यकारी है या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं, बाध्यकारी नहीं है, स्वीकार किए गए हैं फिर भी ये बाध्यकारी नहीं है। 21 नंबर है, एसडीजी का एक लक्ष्य 3 आईज है, इसका अर्थ है 3 आई यानी आई आई एंड आई, यह है अन्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य जिसका अर्थ है, देखिए कौन सा अर्थ होगा इसका, इसका अर्थ होता है पहला आई से इंडस्ट्री, दूसरा आई से इनोवेशन, तीसरा आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सही है, आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें सारे प्रश्न अहम है, आप इसको एक ग्लांस ले लें तो अच्छा रहेगा। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके आगे बीपीएससी का भी होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उस सब में ये उपयोगी है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।